शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे। शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे। बर्फीले कैलाश शिखर पर जय गणेश की धूम। अजय हो, अजय हो, अजय हो, अजय हो, अजय हो। शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे। बर्फीले कैलाश शिखर पर जय गणेश की धूम। मूषक गण सब भागे हैं सरपट। हो मनमोहक मन भावन नटखट, मूषक गण सब भागे हैं सरपट। विघ्न विनायक संकट मोचन, वक्रतुंड कजरारे लोचन। झूमे गाए बाल गणेश, भक्त जनों के कटे कलेश। सुनकर इतना ज्यादा शोर, पार्वती आई उस ओर। डरकर माता उमा के आगे दुम दबाकर मूषक भागे। पर अपनी धुन में मस्त गजानन थिरक रहे हैं भूल के तन मन।
कहानी, आओ सुनाता हूँ सबको आज एक कहानी। शायद लगे नहीं तुमको पर है सदियों पुरानी, शायद लगे नहीं तुमको पर है सदियों पुरानी। आओ सुनाता हूँ सबको आज एक कहानी। सब बताता हूँ, पहले सारे बोलो। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। माँ पार्वती जब जाती थी नहाने तो नंदी करता पहरेदारी, सबको था वो रोक लेता पर चुप रहता शिव की जब आए सवारी। शिव जो चले आए अंदर पार्वती हुई बेहद नाराज, पर नंदी था वह शिवा का के आगे बिल्कुल बेआवाज़। फिर क्या हुआ? पार्वती के मन में इच्छा उठी, फिर पार्वती ने गढ़ा और रचा एक बालक विशेष, अपने मैं से बनाया अपना प्यारा गणेश। अच्छी कहानी है पर कुछ तो गड़बड़ घोटाला है भाई। माँ पार्वती ने क्या ऐसी थी बालक की सूरत बनाई? ना सुन ना कान हाथी के, कैसा है इस बालक का भेष? है ये नहीं हमारा गणेश। बाल गणेश को हाथी का मुंह कैसे मिला, वो एक और कहानी है, वो फिर कभी सुनाऊं। आज सुनी है हम सब ने बढ़िया एक कहानी, लगती है जो नई नई पर है सदियों पुरानी। आओ सुनाता हूँ सबको एक कहानी, आओ सुनाता हूँ सबको आज एक कहानी। शायद लगे नहीं तुमको पर है सदियों पुरानी, आओ सुनाता हूँ सबको आज एक कहानी।